हाय गाइस, वेलकम इन टीटीआईटी चैनल। तो काफी मर्तबा वेबसाइट यूज करते हुए आपने देखा होगा कि जब आप किसी टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो वो एक नया पेज ओपन कर देता है। तो ये कैसे होता है? हाइपरलिंक की मदद से। इसी तरीके के आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो किस तरीके से ये करते हैं देखते हैं इस वीडियो में। अगर आप लोग अर्न करना चाहते हो और लर्न करना चाहते हो ऑनलाइन, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बराबर में जो बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लो, ताकि आप हमारे हर आने वाले वीडियोस को देख सको। सो गाइस, हम लोग आ गए अपने एमएस वर्ड की तरफ। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम हाइपरलिंक कर पाते हैं अपने वर्ड्स को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आपने यहाँ पर देखने लिंक्स का ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाइपरलिंक का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने सिंपली सबसे पहले एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये डॉक्यूमेंट टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर हाइपरलिंक अप्लाई करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस लिंक के ऑप्शन पे क्लिक कराए तो मेरे पास इस तरीके का ओवरव्यू आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, करंट फोल्डर, ब्राउज पेज या रिसेंट फाइल। तो आप करंट फोल्डर में कोई फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप ब्राउज कर सकते हैं पेज को जो आपने रिसेंटली ओपन करे हो, या रिसेंट फाइल्स में से कोई ओपन कर सकते हैं। तो मैं करंट फोल्डर्स में चला जाता हूं। तो सिंपली आप किसी फोल्डर को अटैच कर सकते हैं, आप अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैच, एक्सेल की शीट्स को अटैच कर सकते हैं। तो सिंपली मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करना, और वो यहाँ पे नहीं है, वो डेस्कटॉप पे मैंने रखा है। तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया है मैंने, और उसके बाद यहाँ पे उसका नाम मैंने रखा था डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसके नाम से मेरे पास एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था, तो मैं उसको अटैच कर दिया। सिंपली उसके ऊपर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैं ओके पर क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट का जो कलर है वो हो गया है चेंज ब्लू में। तो इसका मतलब है जो मेरी फाइल है वो हो गई है अटैच। तो सिंपली आपने क्या करना है, जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट वर्ड पे जाएंगे तो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक इस पर प्रेस करें। तो मैं करता हूँ, कंट्रोल दबा दिया। तो अब आप देख सकते हैं मेरे माउस का कर्सर चेंज हो गया, ठीक है। तो अब मैं डॉक्यूमेंट के वर्ड पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये इस तरीके का एक सिक्योरिटी ऑप्शन देगा, आपने सिंपली यस करना है। यस करने के जैसे ही आप यस करते हैं तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक नोटपैड ओपन हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप अपनी एक्सेल फाइल, पीपीटी या वर्ड की कोई फाइल अटैच कर सकते हैं हाइपरलिंक के जरिए। अब इसके बाद हमारे पास तो सिंपली हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन आ जाता है, वो है यहाँ पर लिंक्स में बुकमार्क। तो बुकमार्क क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आज यहाँ तक वेरीफाई कर रहा था इस डॉक्यूमेंट को, तो मैंने ये दो पैराग्राफ वेरीफाई कर लिए, और कल जो मैंने वेरीफाई करना है वो ये लास्ट के 3 पैराग्राफ्स हैं। तो मैं जब कल उठूं तो मुझे याद रहे कि मैंने ये लास्ट के 3 पैराग्राफ ही सिर्फ वेरीफाई करने हैं, ऊपर वाले 2 कर चुका हूं मैं। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बुक मार्क लगा दूंगा। तो सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, थीम्स से स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा लिंक्स पे गया, लिंक्स पे जाने के बाद मैंने बुकमार्क के ऑप्शन पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इस बुकमार्क को कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया P1, और इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो हुआ क्या है, तो आपने सिंपली यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिंक्स के ऑप्शन पे मैं दोबारा जाऊंगा, और इस बुकमार्क के ऑप्शन पे जब क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ P1 जो आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे गो टू पे ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये डायरेक्टली मुझे यहाँ पर थीम्स के वर्ड पर ले जाएगा जो मैंने सिलेक्ट करा था। इसका मतलब ये मुझे बता रहा है कि यहाँ से मैंने इसको वेरीफाई करना स्टार्ट करना है, या इसको यहाँ से मैंने रीड करना छोड़ा था और मुझे अब यहाँ से रीड करना है इस डॉक्यूमेंट को। ये तो काम हो गया हमारे सिंपली बुकमार्क का। हमें तीसरा एक ऑप्शन मिल जाता है लिंक्स में, जिसको हम कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास इस पैराग्राफ में लास्ट आ रहा है कि गैलरीज। तो अगर आप गैलरीज के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो नीचे पैराग्राफ जो लिखा है वहां से आप हासिल कर सकते हैं। तो इसका क्रॉस रेफरेंस मैं कैसे दूंगा,
आपने सिंपली आना है, ये पूरा जो पैराग्राफ है आपने उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने उसे एक बुकमार्क बना देना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ बुकमार्क को F3 और सिंपली ऐड कर देता हूँ उसे। ऐड करने के बाद अब आपने जाना है गैलरीज वाले वर्ड के पास और आपने इसके एंड पर आकर आपने लिंक्स के ऑप्शन पर फिर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे बुकमार्क पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने वो अलग बुकमार्क लेना है जो इस पूरी हेडिंग को डिफाइन कर रहा था, जिसका नाम हमने F3 रखा था। तो हमने F3 रख दिया। अब आप देख सकते हैं कि गैलरीज के पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा है। आपने यहाँ लिखना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है अबव और बिलो कि वो जो हमने क्रॉस रेफरेंस दिया है वो नीचे लिखा हुआ है या ऊपर। तो हमने इस इंसर्ट के बटन पर क्लिक करा तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आ गया बिलो का ऑप्शन। और जैसे ही हम इस पर आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल प्रेस करें और देन आप क्लिक करें। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो माउस का कर्सर हो जाता है चेंज, और उसके बाद मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली मुझे इसने पहुंचा दिया है पैराग्राफ नंबर 5 पे ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से आप क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं किसी भी वर्ड का। तो कैसी लगी वीडियो लाजमी हमें कमेंट करके बताएगा, और कुछ भी क्वेरी हो तो भी आप हमें लाजमी कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, करें इस वीडियो को ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।